तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टॉप 500 मैथ्स की सीरीज का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो पार्ट थर्ड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस ये अगर आप स्टार्टिंग से बने रहोगे, क्योंकि अभी चल रहा है, आप देख सकते हो कि आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आने आने तक आपके एयरफोर्स नेवी का एग्जाम आता है। तो अगर पहले से आप तैयारी करोगे तो इस बार डिफेंस आपका बिल्कुल पार हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने कहावत तो अभी आपका चल ही रहा है, अब की बार डिफेंस पार गाइस। ठीक है, तो अभी से तैयारी करोगे डेफिनेटली आपका अच्छी रैंक में सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए बने रहना अभी से और साथ साथ वीडियो देखते रहो। ज़्यादा मुश्किल से 30 मिनट्स की आपकी एक वीडियो होती है गाइस, जिसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपके इसमें करवाए जाते हैं गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल मैथ से आपके क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आएगा, एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आई होप अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, बेझिझक गाइस। ठीक है, आपके एक्सप्लेन करा जाएगा एकदम। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 इज। तो ये कह रहा है इसेंट्रिसिटी क्या होगी इलिप्स की, इक्वेशन दी है इसने एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो आपको पता है बेसिक इक्वेशन इलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एंड इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला याद रख लो, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लिख रखे हैं इसमें। ठीक है, सॉल्व अभी हम नीचे करेंगे इसे। तो ये याद रखो, इलिप्स निकालने का, इसेंट्रिसिटी इलिप्स की निकालने का, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे आपका इलिप्स भी निकल जाएगा। अगर आपको मान लो ई दिया हो, ए दिया हो, तो बी निकल जाएगा या ए निकल जाएगा। ठीक है, कुछ भी, तो ये इसेंट्रिसिटी निकालने का आपका फॉर्मूला है। चलिए, इसमें हम पुट करते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे हम इसमें। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हम कंपेयर कर दो इस इक्वेशन को इस वाली के साथ। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल गया ए स्क्वायर जो है हमारा 25 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर जो है हमारा 9 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए स्क्वायर तो है हमारा 25 और बी स्क्वायर है हमारा 9। ठीक है, बाकी इसमें अब आपको सॉल्व करना ही है, बाकी 25 आपका। अब देखो हम कैसे करेंगे, हमें पता चल चुकी है इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर हमारा 25 आ गया, बी स्क्वायर हमें 9 आ गया। अब आपकी इक्वेशन क्या थी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 9, ए स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 25 ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे ले जा लेंगे 25 को इधर, ये हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 25। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस ई का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमारा डायरेक्ट हो जाएगा ई को हम इधर ले जा लेंगे इस साइड, एंड ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9 अपॉन 25, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आएगा, देखिए अब एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस 9 अपॉन 25, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 में से 9 गए, 16 अपॉन 25। तो यानी कि ई स्क्वायर आपका आया 16 अपॉन 25, तो ई क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट हटाओगे 4 अपॉन 5। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा गाइस, 4 अपॉन 5 आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप डेफिनेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 4 अपॉन 5 इज द राइट आंसर। अगर बात आती है हाइपरबोला की, ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकाल लिए तो हाइपरबोला की, तो यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो इसेंट्रिसिटी होती है इलिप्स की वो लेस देन होती है 1। ठीक है, अगर आपकी कभी भी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लेना आपका आंसर गलत है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बड़ी होती है, ठीक है, 1 से। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें राजा के आने की और रानी के आने की। ठीक है, वैन जब दो कार्ड हम निकालेंगे, मान लो दो कार्ड हमने निकाल दिए, तो एक में राजा के आने की बतानी है, एक में रानी के आने की बतानी है। ठीक है, आर ड्रॉन एट रैंडम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों में से हमें क्या कह रहा है, टोटल है 52 पत्ते, जिसमें से हमें एक कार्ड में राजा के आने की बतानी है, एक में रानी के आने की बतानी है। तो कैसे बताएगी, अगर आप कर सकते हो तो मेरे से पहले आंसर दो, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा गाइस। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे आपको करना है। तो देखिए, हमें पता है हमारे 4 वेराइटी के पत्ते होते हैं, ओवरऑल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, तो हम डिटेल में चलते हैं, 52 कार्ड्स हमारे होते हैं, 4 वेराइटी के होते हैं। एक हमारा होता है चीड़ी होता है, आपने सुना होगा ऐसे होता है वो, ठीक है, ये होता है चीड़ी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ईंट, ये है हमारा ईंट का पत्ता। ठीक है, तीसरा हमारा होता है हुकुम, ये हमारा ऐसे हुकुम का पत्ता होता है। ठीक है, और जो चौथा होता है हमारा पान का पत्ता, पान का पत्ता
ऐसे होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये चार टाइप के आपके पत्ते होते हैं, और हर पत्तों में आप देखोगे कि एक राजा एक रानी होता है, एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी होता है। तो उसमें कह रहा है हमें दो पत्ते निकालने हैं, ये हमारे मान लो दो पत्ते हैं, ठीक है। इसमें हमें राजा चुनना है किंग, और इसमें हमें चुननी है क्वीन, ठीक है। तो अब देखिए राजा के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, ठीक है। तो हम राजा कितने पत्तों में से चुन रहे हैं, एक दो तीन चार, हम चार में से कोई सा भी राजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चार में से हमें कोई एक राजा निकालने वगैरह है, तो 4C1 यानी कि चार पत्तों में से हमें एक राजा निकालना है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी अभी 4C1, ठीक है। वैसे अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन में भी हमें चार पत्तों में से एक कोई चुनना है हमें, ठीक है। रैंडमली चुनना है, रैंडम का मतलब होता है बस आंख बंद करके उठा लो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चार में से प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एक तो आएगा ही, ठीक है। तो क्वीन की भी होगी हमारी 4C1, ठीक है। तो किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अभी 4C1 × 4C1, ठीक है। और टोटल कितने पत्तों में से हम दो पत्ते उठा रहे हैं, अगर हम बात करें तो 52 पत्तों में से, कहने का तात्पर्य ये है कि हम कितने पत्ते उठा रहे हैं टोटल, एक राजा उठा रहे हैं सब में से, एक क्वीन उठानी हमें, तो 52 में से हम दो पत्ते उठा रहे गाइस, ठीक है। तो आपका अब डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो किंग का कितना बना 4C1, चार में से एक उठाया, क्वीन का चार में से एक उठाना था, और टोटल 52C2, 52 में से दो पत्ते उठाने थे। तो आपका जो अब सॉल्यूशन बनेगा 4C1 × 4C1, ठीक है, अपॉन 52C2, ये आपका बना गाइस सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कहने का ये चार में से हमने एक किंग का उठा लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है रैंडमली उठाना था, चार में से एक हमने किंग चुन लिया, चार में से एक क्वीन चुन ली, और टोटल अगर हम एक एक पत्ता हमने उठा लिया तो टोटल हम दो पत्ते उठा लेंगे, कितने में से उठाएंगे 52 पत्तों में से गाइस, ठीक है। तो ये था आपका बिल्कुल कैसे आपको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बिल्कुल देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप पे डिस्कस कर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए आप लोग, देखो ये आ जाएगा 4C1 हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके, और 4C1 फिर 4, 4 × 4 हो जाएगा, और 52C2 को सॉल्व करो आप तो 52n फैक्टोरियल, 52 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n − 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन में ही होता है n − r फैक्टोरियल, तो यानी कि 50 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 52 × 51, और 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये बनेगा एक इक्वेशन 52 × 51 और अपॉन में 2 जो कि ऊपर चल जाएगा। तो गाइज इसे आप सॉल्व करोगे 4 4 जा 16 2 जा 32, और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा गाइज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा गाइज, बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट उठा के दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार करके देखना और आंसर भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे भी आप आंसर मुझे लग रहा है, तो ये आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली इफ एल कम्स इन द मिडल इन एवरी वर्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एल जो है हमेशा मिडल में आ रहा है, यानी कि एल फिक्स कह रहा है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि DE और HI को अगर हम शिफ्ट करें एक दूसरे में, मतलब कितनी जगह है कि मतलब कितने वर्ड हमारे टोटल बन सकते हैं अगर हम इन्हें आगे पीछे कर सके, एल हमारा फिक्स है इसमें, ठीक है। तो यही आपको पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है। और अब हम देखिए हमें पता है नंबर ऑफ बेस आपने सुना होगा, अगर हम बात करें सबसे पहले डी को लेके चले, एक अक्षर को अगर हम डी को पुट कर सकते हैं तो डी कितने जगह में हम पे कितनी जगह है पुट करने की, कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, हम पे चार जगह है कि डी कहीं भी हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो हम लिख दें कि मान लो डी को हमने मान लो यहाँ पुट कर दिया, तो डी के लिए हम पे कितनी जगह थी, चार जगह थी, चार में से हम कहीं भी इस पे पुट कर सकते थे। तो नंबर ऑफ वेज लिख दो, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग डी चार है हम पे, ठीक है, चार में थे हम किस में पुट कर सकते हैं, एक जगह भर चुकी है। अब हम लेके चलते हैं ई को, ई को हम किस में पुट कर सकते हैं, तीन जगह ई के लिए, तीन खाली है ब्लैंक, ठीक है, तो हम तीन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ई को पुट करने के कितने हैं हमारे, चार है, सॉरी तीन है, ठीक है, तीन जगह खाली थी क्योंकि एक तो भर गई है, तो तीन थे भाई, तीन में हमें पुट करना था, तो दो जगह भर चुकी है। अब हमें लेना है एल, तो हमारा फिक्स है, एच को लेके चलते हैं, एच के लिए कितनी जगह बची है, अब दो तो हमारी भर गई है, अब बची एक और दो, तो एच के लिए सिर्फ हमारे लिए दो जगह है, तो नंबर ऑफ वेज एच को पुट करने के कितने बचे, दो, ठीक है। वैसी आई की बात करें, आई को नंबर ऑफ वेज कितने बचे पुट करने के, सारी जगह भर चुकी है, एक ही कॉलम बचा, आई एक में ही आ सकता है, तो 1। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में होगा गाइस,
ठीक है, तो यही आपका था नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं अगर हम इन्हें आगे पीछे शिफ्ट कर सकते थे। तो यही इसलिए बता रहा है कि चार में से हम कहीं भी पुट करें कोई ना कोई वर्ड बनेगा, इसमें तीन में हम पुट कर सकते थे, इसमें दो में, इसमें एक में। मल्टीप्लाई कर दो सबको, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा 24, और 24 ही आपका आंसर है, यानी तो ए ऑप्शन 24 जो है आपका राइट आंसर रहेगा। गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैंने कैसे बताया आप लोगों को। इसमें फिक्स था बिल्कुल, इसके लिए चार थी, इसके लिए तीन जगह, ठीक है, इसके लिए दो, इसके लिए एक, सबको मल्टीप्लाई कर दो। हमने कैसे आपको बताया कैसे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 आपके वर्ड बन सकते हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो और अच्छे से आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया करेंगे। अब इसमें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i-2j+k, जिसे हम मान लेते चलो ए वेक्टर, ठीक है, ऑन द वेक्टर 4i-4j+7, इसे हम मान लेते बी वेक्टर। गाइज ये वेक्टर का आपका क्वेश्चन, इसमें इसमें प्रोजेक्शन बताना है जो है ए वेक्टर का, हम लेके चल रहे हैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे पड़ रहा है, बी पे, ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे पड़ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट प्रोजेक्शन के केस का, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, एक चीज़ बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, अपॉन में जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, जैसे हमने करा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो आएगा जिस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है। जैसे कि हमारा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो i-2j+k कह रहा है ये ऑन द वेक्टर 4i-4j+7 के बी पे पड़ रहा है, यानी कि जिस पे प्रोजेक्शन पड़ेगा वही हम मैग्नीट्यूड उसका ले गए, हमेशा याद रखना, ठीक है, तो ऐसे समझ के करना। अब हम सबसे पहले निकाल देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फिर हम निकाल देंगे बी वाले का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए ए हो गया ये हो गया हमारा बी, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। हमें पता है i²1 होता है, j²1 होता है, k²1 होता है, ठीक है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ होता है जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और के का के वाले के साथ, ठीक है, तो हमें पता है 1i × 7, 1i × 4i, तो 1 × 4 कर देंगे, ठीक है, प्लस i² तो 1 हो गया, और -2 और -4 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कर दिया हमने, 4 × 4 2 जाए 8, वैसे 1k × 7k 7 हो जाएगा, k²1 आ ही गया, तो इसे हम प्लस करते हैं, 8 4 12 और 7 19, ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 19, याद रखना गाइस, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट ऑफ a² + b² + c², ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, दूसरे वाले 4 का देख लो 16 आ जाएगा, और तीसरे का 7 का 49 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो 16 + 16 = 32, और +49 करेंगे हम तो हमारा आएगा 81 अंडर रूट में, और अंडर रूट ऑफ 81 हमें पता है क्या होता है, 9 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसे पुट कर देते हैं हम प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में, ये हो जाएगा हमारा, हमारा क्या आया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 9 19 आया था, एंड जो हमारा मैग्नीट्यूड आया था इसका वो 9 आया था, तो आंसर क्या हुआ, 19/9 इज द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा गाइस, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना गाइस, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बतानी है गाइस रेंज निकालनी है, फंक्शन हमें दिया है x/1 + x², काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहते हैं रेंज और डोमेन के गाइस, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी इन क्वेश्चन में रहता है, उसे आज हम आपकी दूर करेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए रेंज और डोमेन में आपका क्या फ़र्क होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, डोमेन होता है इनपुट जो हम पुट करते हैं वैल्यू, यानी कि जो हम बोते हैं, यानी कि एक्स में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है fx, जो कि आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है, ठीक है, ये हो गया इनपुट जो कि हम एक्स में पुट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, कभी डोमेन पूछे तो समझ जाना हमें एक्स की वैल्यू बतानी है रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, और रेंज जो हमें रिजल्ट मिल रहा है आउटपुट उसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना समझ जाना है, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमें बताना है रेंज, फंक्शन बताना है एफ एक्स की, हमें रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी कि एफ एक्स बताना है हमें मेनली, और चलो अब शुरू करते हैं स्टार्ट। तो हम मान लिया एफ एक्स, हम सबको पता है वाई के बराबर होता है, बेसिकली एफ एक्स वाई ही होता है, ठीक है, हम कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वाई बन जाए वाई और x²y, y + x²y = x, ठीक है, यहाँ से हम इसे बना देंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो जाएगा, x²y प्लस का वाई और ये इधर आ जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है, =0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c, जो कि जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, कंपेयर कर देंगे इस वाली इक्वेशन को इसके साथ, ठीक है, तो हमें अब कंपेयर करेंगे तो ए हमारा बराबर आ जाएगा वाई के, आप देख सकते हो x² सेम है, बी हमारा बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और सी बराबर आ जाएगा आप लोगों का वाई के, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ए बी सी हमें पता चल चुका है, अब हमें जब भी रेंज बतानी है गाइस किसी भी चीज़ की, तो हमें क्या है रियल वैल्यू पता होनी चाहिए एक्स की, हमें रियल वैल्यू निकालेंगे,
ठीक है, याद रखना श्रीधराचार्य आपने पढ़ा होगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ का वो निकालते हैं वैल्यू, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अगर बड़ा होगा जीरो से तो रियल वैल्यू मिलती है एक्स की, अगर छोटा होगा जीरो से तो हमें इमेजिनरी मिलती है, और इक्वल होगा तो इक्वल एक्स इक्वल वैल्यू जो है नॉर्मल हम करते हैं। तो अगर हमें रेंज निकालने तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत होती है गाइस। ठीक है, क्या उसकी रियल वैल्यू जो चाहिए एग्जिस्ट करती है, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा और जीरो हम लेके चलते हैं। अब हमें ए बी सी पता है, इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, बी हो जाएगा हमारा वन माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस का फोर ए सी, तो ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर बड़ा और बराबर है जीरो के। ठीक है, ये आ गया आपका, हम इसे कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो ये हमारा वही है वन स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं वन माइनस टू वाई और एक लिख देंगे वन प्लस टू वाई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, ये हमारा आ गया। अब इससे हम रेंज निकल जाएगी हमें, तो हमें पता चल चुका है अब वन माइनस टू वाई और वन प्लस टू वाई बड़ा और बराबर है जीरो के। हम इससे क्या आ जाएगा, पहले हम लेके चलते हैं इसे, इसे अभी नोट कर लो आप, ठीक है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन साफ करने वाला हूँ। वन माइनस टू वाई वन प्लस टू वाई बड़ा और बराबर है जीरो के, लेके चल दिया वन माइनस टू वाई और वन प्लस टू वाई बड़ा और बराबर है जीरो के। ठीक है, तो पहले हम इस वाले को ले लेते हैं वन माइनस टू वाई बड़ा और बराबर है जीरो के, तो ये हो जाएगा हमारा टू, हमारा इधर चल जाएगा, तो ध्यान स्क्रीन पर रखना टू वाई। ठीक है, तो टू वाई की जगह आ जाएगा हमारा स्मॉलर साइन, क्योंकि टू वाई जब इधर चल जाएगा तो टू वाई की जगह देखो छोटा आ जाएगा, तो टू वाई छोटा और बराबर हो गया वन के। ठीक है, वैसे अगर हम इस वाले को लेके चले तो ये देगा हमें वन माइनस टू वाई सॉरी वन प्लस टू वाई बड़ा और बराबर है जीरो के, तो हम इसमें टू वाई को यहीं रख देंगे और वन को उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या देगा हमें देखो आप, अब इस वाले की बात करें तो ये हमें दे देगा वाई इक्वल्स वाई छोटा और बराबर होगा हाफ के। ठीक है, ये वाला रिजल्ट देगा हमें वाई बड़ा और बराबर होगा माइनस हाफ के। तो बेसिकली जो आपकी रेंज कैसे बनी, वाई जो है यहाँ पर देखना गाई साहब, ठीक है, देखिए अभी जो बेसिकली आपकी रेंज बनी ये बनी वाई जो बड़ा है किससे, यहाँ पर आप दिख रहा है वाई ये बड़ा है यहाँ पर माइनस हाफ से, तो ये माइनस हाफ से बड़ा हो गया, और छोटा है वाई किससे, किसकी तरफ छोटा साइन है वाई की इधर, तो किससे बड़ा है छोटा है ये हाफ से, तो हमें रेंज इसकी पता चल चुकी है माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर, देखो कितने आसानी तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया गाइस, माइनस हाफ से हाफ इसकी रेंज थी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, कैसे एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है रेंज निकालने के लिए, कैसे आपको डोमेन पहचानना है क्या डोमेन है क्या रेंज है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अब देखिए इसमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स 4,0 0,4 फोर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, आप जानते हो सर्कल का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, सबसे पहले अगर क्वेश्चन समझना है तो जितना आपको समझ आ रहा है उतना लिख दो। तो हमने कर दिया भाई डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू सर्कल, टू पॉइंट ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसे एक उसमें बना दिया, ये हमारा होता है 0,0 4,0 हमारा यानी कि एक्स एक्सिस पे है कहीं 4,0 और हमारा 0,4 वाई एक्सिस पे ले लिया हमने। ठीक है, इसका मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट यहाँ शो कर रहा है कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस लेना है हमें सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से, और इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला इसका डिस्टेंस बताना है हमें सिर्फ इनके बीच का। तो ये हो जाएगा हमें पता है मिड पॉइंट निकालने का हमें एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू यानी कि एक्स वन है ये एक्स टू है, तो एक्स वन यानी कि 0 प्लस 4 बाई 2 ये मिड पॉइंट निकलता है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और वाई के में भी आ जाएगा हमारा 2। मिड पॉइंट हमें पता चल चुका है 2,2 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमें मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर का वो निकालना है, अब हमें सेंटर सिर्फ सर्कल के सेंटर से निकालना है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सेंटर है कहाँ सर्कल का। इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0,0 पे है, पॉइंट सर्कल का इक्वेशन है ये जो कि सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बेसिकली बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस निकाल देना है बस। अब पता चल चुका है 0,0 और 2,2। ठीक है, तो डायरेक्ट बस अब कर दो सॉल्व, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स टू, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स वन हो गया, ये वाई टू, ये वाई वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4,
और वैसे ही वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 8, और अंडर रूट में 8 यानी कि 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज आपको कठिन लग रही हो पर क्वेश्चन करने का जो तरीका है बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें देखिए, इफ थीटा प्लस फाइव बराबर है पाई बाई सिक्स के, तो वैल्यू क्या होगी √3 + tan θ की और √3 + tan φ की। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल हमें इससे से आंसर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, टेन थीटा को बोथ साइड हमने लगा दिया। ठीक है, तो बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, टेन थीटा मल्टीप्लाई एक तरह से, तो टेन थीटा प्लस फाइव हमारी एक, आपको पता है टेन थीटा टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, हमारा टेन एक्स प्लस टेन वाई, 1 - tan x tan y फॉर्मूला होता है, याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें ये प्लस के केस में, अगर यहाँ होता माइनस तो याद रखना, अगर यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, और नीचे वाले में हमेशा अपोजिट साइन रहता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस है और नीचे वाले में माइनस है, तो फॉर्मूला ऐसे याद रखना टेन एक्स प्लस वाई का, जो कि हमारा यहाँ यूज़ हुआ है। वैसे टेन पाई बाई सिक्स सबको पता है ये होता है हमारा 10 30, क्योंकि पाई होता है हमारा 180/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो टेन पाई बाई सिक्स यानी कि 30 डिग्री, और टेन 30 हमारा होता है 1/√3। ठीक है, ये हमारा 1/√3। अब देखिए सब कुछ हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, टेन को बोथ साइड वो करके ऐड करके। ठीक है, तो टेन एक्स टेन थीटा प्लस टेन फाइव, 1 - tan θ tan φ इक्वल्स टू बराबर है 1/√3 के। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा से, फिर एक बार टेन फाइव से हो जाएगा, फिर ये वन हमारा वन से हो जाएगा, बाकी ये वन से हो जाएगा। तो आपका जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन ऐसे, फाइनल इक्वेशन आपको ऐसे मिलेगी शिफ्ट करके, क्योंकि हम इसे इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस में उस साइड जाके। ठीक है, तो ये हमें मिल गया पूरा एक इक्वेशन, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मान ली है, हमें फर्स्ट इक्वेशन पता चल गई है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर देते हैं हल्का फुल्का। तो इसे जब हमने सॉल्व करा, √3 √3 हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, फिर √3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन फाइव से, तो ये हो जाएगा हमारा √3 tan φ। फिर हम टेन थीटा को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3 tan θ, और आखिरी में प्लस प्लस टेन थीटा टेन फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके हमें मिला ये इक्वेशन। अब देखिए हमें कौन सा इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन हमें, जो हमें निकालना था। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। अब हमें इसमें क्या कमी दिख रही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप देखोगे तो हमें 3 नहीं है, हम पे यहाँ पर हमें 3 नहीं है, तो हमें यहाँ 3 ऐड कर देना है। अगर हम यहाँ 3, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, अभी ये इक्वेशन आपको इतनी ये आ रही दिखाई दे रही ऊपर, जिसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, हमें पता चल गई 1 है, और ये +3 यहाँ पर है, बस हमने ये वैल्यू जो है 1 2 में पुट कर दी हमने। ठीक है, तो ये हमें 1 मिल गई है, क्योंकि आपको यहाँ 1 के इक्वल दिख रही है कोने में, और 3 + 1 पता है 4 हो जाता है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन से ही आपको सॉल्यूशन मिल चुका है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द हाइट ऑफ पोल इज 4√3 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट शेडो इज 4 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हमें गाइस। ठीक है, तो ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, एनडीए में भी हर बार आता है, और एयरफोर्स या नेवी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइट हमें पता चल चुकी है 4√3 है, और कह रहा है लेंथ जो उसकी शेडो की, मान लो कोई पोल खड़ा हुआ, ये आपका कोई पोल खड़ा हुआ, ठीक है, ये है 4√3 मीटर का, कह रहा है जो इस पोल की, अगर मान लो सूरज इधर से है, तो इसकी जो शेडो पड़ेगी, इसकी जो परछाई है वो 4 मीटर की, तो परछाई तो ज़मीन पे ही पड़ेगी। ठीक है, तो ज़मीन पे पड़ेगी, तो हमें बेस पता चल गया ये 4 मीटर है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है 4 मीटर इसकी बेस। ठीक है, अब देखिए हमें ये निकाल देंगे हम इससे, हाइपोटेनियस हमें पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनियस निकल जाएगा। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आप दिमाग में कर सकते हो गाइस। ठीक है, फिर भी नहीं है तो मैं और आसानी से समझा दूंगा अगर आपको लगेगा बाद में। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 48 + 16 को प्लस कर दो, तो 48 6 54 10 64 आपका आ जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट ऑफ 64 आपका आएगा गाइस 8। हाइपोटेनियस आपका आ गया 8। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो आपका हाइपोटेनियस है वो आंसर आया आपका 8।
और ये पहले से हमें पता था इसका जो पोल की लेंथ थी 4√3 थी, और बेस हमें पता चल गया था जो परछाई इसकी जमीन पर पड़ रही थी 4। ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ पता चल गई। हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन जो होता है जैसे हम नीचे से जो ऊपर की तरफ देखता है पोल पे, ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो ये हमें थीटा निकालना है। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे, सबको पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा लगा दो, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय वी। ठीक है, तो हमने मान लो कौन सा आसान रहेगा इसमें आप लोगों के लिए, साइन थीटा लगा दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4√3 है, साइन थीटा पी बाय एच, ये 8 है, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, तो आपका साइन थीटा बराबर आया √3/2 के। ठीक है, तो साइन थीटा जो है √3/2 आया, और √3/2 हमारा होता है 60 डिग्री साइन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसमें कराया क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन पर सॉल्व नहीं करा जाएगा इसमें गाइज, इसलिए आपके लिए थोड़ा सॉल्व करके पहले से लाया जाता है। तो देखिए, इसमें ये हमारा क्वेश्चन था, हम क्या कर देंगे, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है इंटीग्रेशन में हम जैसे करते हैं, √10x को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब इसे सॉल्व कर दो, इसी में से आपका आंसर मिल जाएगा। हमें पता है √10x करेंगे तो जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी √सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/2√10x। ठीक है, ये √सॉल्व कर आप फिर 10x को सॉल्व करेंगे, 10x तो है डिवाइड dx ऑफ 10x, डिफरेंशिएट sec स्क्वायर एक्स, और dx बराबर ये dt हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू डी टी के। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें हमारा हो गया, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अंडर रूट बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x 10x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला अंडर रूट, ये आपका आ गया, और √10x इंटू √10x, 10x आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया, 2 को हमने वहाँ पर पहुँचा दिया जो कि आपको यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स होता है, हमें पता है sec बराबर होता है 1/cos के, तो 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है 10 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लो ये 10 हटा दिया हमने, 10 को हम लिख देंगे साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन आएगा, तो एक कॉस एक्स से ये स्क्वायर कटेगा जो कि आप देख सकते हो एक कॉस एक्स यहाँ पर हमने उतार दिया है, और साइन एक्स ये बचा, साइन एक्स हमने यहाँ उतार दिया है, सो सॉल्व करके बाकी सेम आ गया। अब आप देखोगे ये जो इक्वेशन है √10x dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल रही है गाइस। ठीक है, तो ये पूरा मिल रहा है, ये पूरा आपके किसके इक्वल है, ये 2dt के। तो इंटीग्रेशन हमारा किससे सब्सटीट्यूट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2dt। आखिरी में बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बताया डी टी का टी आ जाएगा, 2 2t + c, टी हमने माना था √10x, तो उसकी जगह पुट कर दिया, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया गाइस, 2 √x √10x + c इज द राइट आंसर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन बहुत ईजी है गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चंस। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपके लिए चैप्टर्स भी लाते रहूँगा, जैसे अभी हम प्रैक्टिस सेट करें, जैसे मान लो टॉप 500 आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो बीच में जैसे जैसे चैप्टर ले आएगा, कभी सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर, कभी आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का चैप्टर, तो ये आपको बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा गाइस। ठीक है, और फिजिक्स का भी आपके लिए आता रहेगा, तो बने रहना। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन 2 नंबर का 27 और 12 है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमें बताने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना मत बिल्कुल भी। याद रखना जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बराबर होता है g² = ah के, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें पता है अर्थमेटिक मीन हमें पता है 27 है, और हार्मोनिक मीन हमें पता है 12 है। ठीक है, 27 × 12 पुट करोगे आप, क्या आ जाएगा इसमें, 27 × 2 = 54, और 27 × 1 = 27, तो 7 7 5 12, 324 आ रहा है। 27 × 12 करोगे तो 324 आ गया आपका, g² = आया 324 के, और 324 जो है स्क्वायर है हमारा 18 का, तो आंसर क्या आया इसमें आपका, 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, बस याद रखना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच का रिलेशन, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, वो सॉरी g² = होता है a × h के। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये थे गाइज आपके आज के क्वेश्चन। ठीक है गाइज, 30 मिनट का वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और अभी से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल अब की बार आपका डिफेंस पार होके रहेगा गाइज। तो चलिए आज समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।